देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। डीके शिवकुमार या फिर सिद्धारमैया, आज फैसला हो जाएगा कि आखिरकार कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर के लगातार जो है बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है कि आखिरकार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार तो बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के राज जो कांग्रेस में चल रही है उसको लेकर के बीजेपी उन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। डीके शिवकुमार लगातार इस रेस में आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार सिद्धारमैया को नहीं डीके शिवकुमार को मौका मिलेगा। डीके शिवकुमार ने अपना एक बयान जारी कर कहीं ना कहीं इस पूरे अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने ये बात कही कि मैंने काफी बार जो है कांग्रेस के लिए बलिदान दिया है, इस बार भी वो अपना बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के उन्होंने ये टिप्पणी की, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में तनातनी की खबरें हैं उसको लेकर के भी डीके शिवकुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा सिद्धारमैया के साथ कोई भी तनाव नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है हम दोनों के बीच में, सीएम चाहे कोई भी बने उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार जो है डीके शिवकुमार ने अपनी बयान से ये साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। तो ये तो डीके शिवकुमार का बयान सामने आया, लेकिन सिद्धारमैया क्या यही सोच रहे हैं? सिद्धारमैया क्या यही चाहते हैं कि डीके शिवकुमार बन जाए या फिर सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री रहे, इसको लेकर के सिद्धारमैया की क्या सोच है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि कांग्रेस आलाकमान इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं इसको लेकर के भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार जो सीएम पद की दावेदारी है वो कौन पेश करेगा, सिद्धारमैया या फिर डीके शिवकुमार। कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ जीती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बात पर लगातार ये जोर दिया जा रहा है कि डीके शिवकुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो सिद्धारमैया को जो है उनसे अच्छा काम कर पाएंगे, जनता को विश्वास दिला पाएंगे, क्योंकि इनसे अच्छा कोई भी जो है दावेदार नहीं है सीएम पद को लेकर के। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान आज ये कर लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें डीके शिवकुमार की पत्नी काफी चर्चा में बनी हुई है। डीके शिवकुमार की पत्नी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने द केरल स्टोरी को लेकर के बयान दिया है जिसको लेकर के काफी चर्चाएं सामने आ रही हैं। हम आपको अपनी एक रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरीके से डीके शिवकुमार की पत्नी इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई है। डीके शिवकुमार की पत्नी का एक बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होने जा रही है, वोट डालने पहुंची थी जब डीके शिवकुमार की पत्नी, तब उन्होंने कहा था कि मेरे पति की जीत 100% होगी। इस दौरान शिवकुमार की पत्नी ने यह भी कहा था कि राज्य में दी केरल स्टोरी फिल्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दी केरल स्टोरी पर अपना बयान दिया था। आपको बता दें इस दौरान कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष की पत्नी उषा शिवकुमार ने कहा कि दी केरल स्टोरी फिल्म का कोई असर विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। वहीं पति की जीत को लेकर उषा शिवकुमार ने कहा कि उनकी जीत 100% होनी है, जिसको लेकर कोई शक नहीं है। शिवकुमार कनकपुरा सीट से प्रत्याशी हैं। शिवकुमार की पत्नी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को लेकर अच्छा माहौल है, मेरी इस मौके पर अपील है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट करें और विजय बनाए। तो चुनाव से पहले ये बयान डीके शिवकुमार की पत्नी का आया था, लेकिन आपको बता दें ये बयान उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस 141 सीटें जीतेगी। यानी कि जो शिवकुमार की पत्नी ने बयान दिया था उसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि उन्होंने जो दावा किया था वो अब सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि डीके शिवकुमार की पत्नी जो है काफी चर्चा का विषय इस वक्त बनी हुई है। आपको बता दें डीके शिवकुमार का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी का चेहरा हूँ, पार्टी की आवाज और लीडर हूं, मैं जो कहता हूं वो काउंट करता है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ कर्नाटक विधानसभा में जीतने जा रही है। उन्होंने भी ये पहले दावा ठोका था। तो कहीं ना कहीं डीके शिवकुमार के लिए इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करने का मौका उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में काफी हद तक कांग्रेस अब अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, क्योंकि सिद्धारमैया इस रेस में तो थे ही। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सिद्धारमैया से बेहतर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 News।